क्या होगा अगर लूसीफर, थैनोस और गोस्ट राइडर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? डेमन फ्रॉम हेल एंटी हीरो गोस्ट राइडर, मैड टाइटन थैनोस, या किंग ऑफ हेल लूसीफर मॉर्निंग स्टार? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो लूसीफर, थैनोस और गोस्ट राइडर तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं लूसीफर वर्सेस थैनोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें लूसीफर की, लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था, इसलिए वो स्टार्टिंग में हेवन में ही रहता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल दिया और हेल का रूलर बन गया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल, और यहीं से उसको उसके सैटर्न और डेविल जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट क्रिएशन था, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स थी, पर बाद में चीजें चेंज हुई और हेवन से निकाल कर हेल भेज दिया गया और वो बन गया किंग ऑफ हेल डेमन लॉर्ड डेविल। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। और हाँ, गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ से कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है, और अगर वो चाहे और अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो एक ही ब्लो में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है, और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है और विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में जा सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, और उस पर अर्थ या किसी भी और दूसरे प्लैनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता, और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर्स है, साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे मल्टीवर्स या उसके यूनिवर्स में क्या चल रहा है उसे सब कुछ बता आता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने शेप और साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेलफायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है, और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। लूसीफर जीनस लेवल इंटेलिजेंट है, जो कि एंजल्स और डीमन से कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। और जब लूसीफर अपनी डीमन वाली फॉर्म में जाता है तो उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है, जिससे वो लोगों के डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का पता लगा सकता है और उन्हें कुछ हद तक इल्यूजंस भी दिखा सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स और वेपन्स है, लेकिन हम उन सभी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। तो ये थी लूसीफर की पावर्स, और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं थानोस की, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मैड टाइटन कितना पावरफुल है। तो थानोस एक मैड टाइटन है, जिसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स है। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है, पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर वो कभी नहीं मर सकता। साथ ही उसके पास एक्सीलरेटेड हीलिंग भी है, जिससे उसके वॉन्ड बहुत ही जल्दी हील होते हैं, जो कि एक अल्टीमेट किलिंग मशीन है, और उसने लाखों प्लैनेट्स के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और अगर उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी मिल जाए तो उसकी पावर्स कई हजार गुना तक बढ़ जाती है, जिससे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय करके नए यूनिवर्स को भी क्रिएट कर सकता है, जो कि वो एंड गेम में करने भी वाला था, क्योंकि वो समझ चुका था कि इंसान से पुरानी बातों को लेकर रोता है और अपने जख्मों को चाटता रहता है और कभी भी आगे बढ़कर डेवलप नहीं हो सकता और ना ही डेवलप होना डिजर्व करता है। इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मारकर एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना और फिर वहां का गॉड बन जाना और वहां पर सभी चीजों को अपने हिसाब से परफेक्टली बैलेंस करना, जो कि वो कर भी सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। इसके अलावा थानोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर था और उसकी फाइटिंग स्किल्स और स्ट्रेंथ को आप एंड गेम में देख ही सकते हो। ये थी थानोस की पावर्स, और थानोस और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या थानोस लूसीफर को हरा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिना इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थानोस की। तो थानोस बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और आप उसकी फाइटिंग एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, स्टैमिना और पावर को एंड गेम में देख ही सकते हो, जब वो सभी एवेंजर्स से अकेला फाइट कर रहा था और कोई एवेंजर उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। थानोस पावरफुल तो बहुत है, पर पावर्स के मामले में लूसीफर थानोस से बहुत आगे है, जहां पे लूसीफर अपने एक ही ब्लो से पूरे के पूरे यूनिवर्स तक
को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वहाँ पर थैनोस के लिए अपनी स्वॉर्ड से एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय करना भी बहुत मुश्किल काम है। थैनोस के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ और पावर्स हैं, जबकि लूसिफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ और गॉडली पावर्स हैं। इसलिए पावर्स के मामले में लूसिफर थैनोस से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। लूसिफर को मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन के वेपन से ही पॉसिबल है, इसलिए थैनोस की स्वॉर्ड या किसी भी और वेपन का लूसिफर पर कोई भी असर नहीं होगा। थैनोस बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, पर उसके लिए लूसिफर के मोस्ट पावरफुल अटैक जिससे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करता है, उसको सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। या तुम एक तरह से बोल सकते हो कि थैनोस का उसको सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। थैनोस बहुत ही पावरफुल क्रिएचर है और पावर के मामले में ऑलमोस्ट हल्क के बराबर ही पावरफुल है, जबकि लूसिफर गॉड की फर्स्ट क्रिएशन थी और वो ऑलमोस्ट गॉड के बराबर ही पावरफुल है। इसलिए थैनोस का लूसिफर की पावर्स को मैच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और लूसिफर थैनोस की सोल को कंट्रोल, मैनिपुलेट, डिस्ट्रॉय या हेल में ट्रैप भी कर सकता है। इसलिए अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो तो लूसिफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। पर क्या हो अगर थैनोस को सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाए, तब भी क्या फाइट का रिजल्ट सेम रहेगा या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे? तो वेल, थैनोस बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन जब उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी मिल जाते हैं तो उसकी पावर्स कई हजार गुना तक बढ़ जाती है। पर इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ मॉर्टल बींग्स को ही मार सकते हैं और इमॉर्टल बींग्स पर उनका कोई भी असर नहीं होता, इसलिए थैनोस एटलीस्ट स्नैप करके लूसिफर को नहीं मार सकता। थैनोस टाइम स्टोन से टाइम को आगे पीछे, टाइम को फ्रीज कर सकता है, पर लूसिफर ये सब कुछ कर सकता है बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के, और वो टाइम को फ्रीज भी कर सकता है। इसलिए थैनोस की किसी भी ट्रिक का लूसिफर पर कोई भी असर नहीं होगा। पावर स्टोन से शायद थैनोस लूसिफर की पावर्स को मैच कर सकता है, लेकिन लूसिफर को मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन के वेपन से ही पॉसिबल है, इसलिए थैनोस इससे भी लूसिफर को नहीं मार सकता। जबकि लूसिफर अपने एक ही पंच में थैनोस को मार या हरा सकता है, जो कि डिपेंड करेगा कि लूसिफर उसमें अपनी कितनी पावर का यूज कर रहा है। इन द एंड ऑफ द डे इन्फिनिटी स्टोन से थैनोस की पावर्स को बूस्ट करके इस फाइट को थोड़ा लंबा कर सकते हैं, बट एंड में जीतेगा लूसिफर ही और लूसिफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। तो बात करते हैं लूसिफर वर्सेस गोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें गोस्ट राइडर की, ये तो गोस्ट राइडर एमसीयू का एक एंटी हीरो है जिसका सिर और पूरी बॉडी हेल फायर से जलती रहती है। गोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़ेराथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है जिसे लूसिफर ने हेल से निकाल दिया था क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारी सोल्स को अब्सॉर्ब करके अपनी पावर्स बढ़ा रहा था, जिससे लूसिफर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। गोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल है और टाइम आने पर कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसिफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसिफर का मानना है कि अगर गोस्ट राइडर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और ह्यूमैनिटी को कुछ ही घंटों में खत्म कर देगा। और लूसिफर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हेल और हेवन का बैलेंस टोटली बिगड़ जाएगा और सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बात करें पावर्स की, तो गोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना वगैरह वगैरह के अलावा किसी को भी सिर्फ देखकर उसकी सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप करने और किसी की सिर्फ आंखों में देखकर उसकी बॉडी को हेल फायर से जलाने या पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करने जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा गोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं, जिनके सिर्फ टच होते ही वो सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप कर सकते हैं और उसकी बॉडी को हेल फायर से जला सकता है। गोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर कोई उसके होस्ट को नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में मार भी देता है फिर भी वो नहीं मरेगा, बल्कि उसकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई और गोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। गोस्ट राइडर इमॉर्टल तो है, पर उसकी नाभि में कोई अमृत भी नहीं है जहां पर कोई तीर मारकर उसे मार डाले, और इन्हीं सब चीजों की वजह से हेल का राजा लूसिफर तक उसे हेल में नहीं रखना चाहता था। तो ये थी गोस्ट राइडर की पावर्स। और गोस्ट राइडर और लूसिफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या गोस्ट राइडर लूसिफर को हरा सकता है। तो गोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और उसको उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़ेराथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है, जबकि लूसिफर उन सभी डिमोनिक सोल्स और हेल का किंग है। गोस्ट राइडर के पास हेल फायर है जिसका यूज करके वो किसी को भी इजिली मार सकता है, जबकि लूसिफर उसी हेल का डीमन लॉर्ड है जहां से वो फायर आती है। गोस्ट राइडर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और वो एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर लूसिफर अपने सिंगल अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है जिसमें हजारों प्लैनेट्स होंगे। गोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक डीमन ही है, जबकि लूसिफर उन सभी डीमंस और हेल का किंग है। इसलिए लूसिफर के हर एक ऑर्डर को गोस्ट राइडर को मानना ही होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो लूसिफर एक ही सेकंड में उसकी सोल को डिस्ट्रॉय या हेल में ट्रैप कर सकता है। गोस्ट राइडर के पास बहुत सारी सुपर डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं, पर लूसिफर के आगे उसकी ये पावर्स उसके किसी काम नहीं आएंगी, और पावर्स के मामले
मामले में लूसीफर गोस्ट राइडर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। गोस्ट राइडर ना ही लूसीफर को मार सकता है, ना ही उसे हार्म कर सकता है, ना ही उसे हरा सकता है, जबकि लूसीफर एक ही सेकंड में गोस्ट राइडर को मार भी सकता है, हरा भी सकता है, हाल में ट्रैप भी कर सकता है। इसलिए लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो जीतेगा लूसीफर ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? मार्वल या डीसी का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो लूसीफर को हरा सकता है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।